आज के प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो था ये साल हर साल में होता है और इस दिन के लिए जब हम इलेक्शन की मुहिम में यहाँ थे उस वक्त मुझे इन्होंने दावत दी थी कि मेहरबानी करके अगर आपके पास वक्त हो तो 7 तारीख को जुलाई में आप यहाँ तशरीफ लाइए और 7 संगत के साथ बैठ के हम लोग सब प्रार्थना करेंगे देश की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए और हम सब के फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर हम सब का अच्छा। मैं आया अपने साथ मेरे पार्लियामेंट मेंबर जिनको इन्होंने चुना है यहाँ से वो भी साथ थे, हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतन लाल गुप्ता जी वो थे और यहाँ एक MLA जो थे जान साहब वो भी थे। तो हमने कोशिश की कि हम लोग सब यहाँ पे भाईचारे की बात करें कि भाईचारे से ही हम आगे चलें। और मेरे वालिद का भी यही था, शेरी कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, उसी पर आज भी हम कायम हैं और आगे भी कायम रहें। अब हम तो आज भी अपने पड़ोसी मुल्क को जो है सबक मिले वो जो है आतंकवाद बंद करें, लेकिन रजौरी में सुबह भी आज आतंकी हमला हुआ है। देखिए जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी यह समझना चाहिए अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमजोर हो जाएगी। उनकी कमजोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए जरूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा हमें, आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। और यही आज इस 7 संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में भाईचारे में आगे चले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।